मुंह फेर कर न जाया करो, कभी हमसे भी बतियाया करो। यूं मुंह फेर कर न जाया करो, कभी हमसे भी बतियाया करो। ये दो चार कदमों का फासला भी क्यों रखें, ये दो चार कदमों का फासला भी क्यों रखें, मेरे ही घर उठ जाए तो। पड़ोस में ही है क्या? पड़ोस वाली गई है। तभी तो बोल रहा हूं। चलो आज मैं खुद से शुरुआत करता हूं, चलो आज मैं खुद से शुरुआत करता हूं, नफरतों के बीच प्यार की बात करता हूं। चलो आज मैं खुद से शुरुआत करता हूं, नफरतों के बीच प्यार की बात करता हूं। तुम सुना दो जो भी गुनाह है तुम्हारे, तुम सुना दो जो भी गुनाह है तुम्हारे, मैं तेरी खुशी के लिए तुझे मुआफ करता हूं। एक शेर है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसकी स्टोरी या जो कहूँ उसकी भूमिका ये है कि घर का बंटवारा चल रहा था, तो तीन भाई थे, तीनों भी झगड़ा हो रहा था कि अपन घर का मतलब जो जमीन है इसका बंटवारा कैसे करें। तो एक ने बोला कि नहीं, तीनों को एकदम सीधा सीधा बांट देते हैं, तीनों का गेट बाहर खुल जाएंगे, बात खत्म। तो उनमें से जो सबसे छोटा था उसमें दिमाग लगा, बोले नहीं ऐसा नहीं करते हैं, एक मेन गेट रखते हैं, बाकी तीनों भाई अंदर चौक में अपना अपना गेट खोल लेंगे घर का। और बाहर जो कोई देखेगा तो उसको ये लगेगा कि नहीं परिवार तो एक है, कम से कम ये जो घर है वो एक ही आदमी का है। तो वो जो झगड़ा था उसमें काफी सारी नोकझोंक हुई, हाथ भी उठा दिया किसी को झगड़ा हुआ, तो उस बात को मैंने दो चार पंक्तियों में लिखा है। बोलो। दहलीज सरक रही है, दहलीज सरक रही है तू हाथ ना उठा, दहलीज सरक रही है तू हाथ ना उठा, दूरियां बढ़ रही हैं तू घुटन ना बढ़ा। दहलीज सरक रही है तू हाथ ना उठा, दूरियां बढ़ रही हैं तू घुटन ना बढ़ा। अब इस ओर या उस ओर बंटवारा होने दे, अब इस ओर या उस ओर बंटवारा होने दे, नींव तो एक रहने दे तू जमीना खुदा। तुझसे मिलकर आना था, तुझसे मिलकर आना था, हाले दिल सुना के आना था, तुझसे मिलकर आना था, हाले दिल सुना के आना था, रह गई जो बात उम्र भर सुनानी, बस उसी को गुनगुना के आना था, तुझसे मिलकर आना था, हाले दिल सुना के आना था। कुछ सूखे फूलों की माला रखी है मेरी तिजोरी में, कुछ सूखे फूलों की माला रखी है मेरी तिजोरी में, बस उसे तेरे हाथों में थमा के आना था, तुझसे मिलकर आना था, हाले दिल सुना के आना था। ताउम्र तू रहा मेरी जिंदगी में रहनुमा बनकर, ताउम्र तू रहा मेरी जिंदगी में रहनुमा बनकर, तुझको पलकों पे सजा के लाना था, तुझसे मिलकर आना था, हाले दिल सुना के आना था। ये एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं, कविता भी बोल सकते हैं या गजल बोल सकते हैं, मुझे क्योंकि ज्यादा लिटरेचर का नॉलेज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये बार इसमें एक वर्ड आएगा रुदाली, रुदाली जो रुदन से बना हुआ है, मतलब रोना। और इस वर्ड का मतलब है कि जब राजा महाराजा के जमाने में जब किसी की मृत्यु होती थी राजमहल में, तो रोने के लिए बाहर से औरतों को बुलाया जाता था, क्योंकि जो रानियां होती थी वो इतना देर चिल्ला के तो रोती नहीं थी कि महल के बाहर तक आवाज आ जाए, तो उन औरतों को बुलाया जाता था, वो रोती थी तो बाहर गांव वालों को सबको पता चलता था कि हाँ आज राजमहल में किसी मृत्यु हुई है, तो उन औरतों को रुदाली बोला जाता है। तो ये वर्ड आएगा मेरे इसमें, तो जब आप सुने तो आपको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। इन पंक्तियों के पीछे एक छोटी सी एक वो भी है स्टोरी के, आतंकवादी जो बनते हैं ना, जो बच्चे हम कहते हैं, जैसे 26/11 का जो हमला हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा आया 24 साल का, उसने पूरे मुंबई के अंदर बम विस्फोट किए, ताजमहल को उड़ा दिया, तो ताज होटल पर बम विस्फोट किया, गोलियां चलाई, रेलवे स्टेशन बहुत लोगों को मारा, तो ऐसे बच्चे हुए क्यों, उनकी ये सोच बनी क्यों, क्या कंडीशन रही हुई कि वो इस तरह के मतलब हालत में आ गए या इस तरह काम करने लगे। उसके पीछे ये छोटा सा लिखा है, घर ने, घर क्या है, घर मतलब वो अपने लोग, परिवार के लोग जिन्होंने आपको पाल पोसे, इतना बड़ा किया, जिनके साथ आप एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, तो घर ने दिल से निकाला हमें, घर ने है दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें,
घर ने है दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें, जिस उम्र में खिलौने होते हैं हाथ में, जिस उम्र में खिलौने होते हैं हाथ में, उस उम्र में तलवारों को संभाला मैंने। हमने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। क्या लोरियां क्या प्रार्थना क्या सावन के गीत, क्या लोरियां क्या प्रार्थना क्या सावन के गीत, हर रोज सुबह रुदाई ने है जगाया हमें, घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। एक गुलाब होगा फिर कहीं दिले सहरा में, एक गुलाब होगा फिर कहीं दिले सहरा में, कि आंधियों ने है जड़ से उखाड़ा उसे, घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। हर दर पर दी दस्तक उस रात मैंने, हर दर पर दी दस्तक उस रात मैंने, मगर किसी ने ना प्यार से संभाला हमें। हर दर पर दी दस्तक उस रात मैंने, मगर किसी ने ना प्यार से संभाला हमें। मर गया बचपन छिन गई किताबें, मर गया बचपन छिन गई किताबें, हथियारों नफरतों ने संभाला हमें, घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने संभाला हमें। ये जब इसको लिख रहा था उससे पहले इसके प्रारूप में आपको बताया था कि एक काल्पनिक मतलब दृष्टिकोण है इसमें, कि आप मर रहे हैं, सपोज कीजिए आप मर रहे हैं, आपकी आखिरी जिंदगी 4-5 सांस से अटकी हुई है, उस कंडीशन में आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं जिसका कभी आपने ख्वाब देखा था कि काश वो मेरे घर में आएगी और हम लोग इस तरह के सपनों की दुनिया में रहेंगे वो सब, मगर वो जिंदगी भर आपके मतलब घर में आई नहीं, कभी उसने कदम ही नहीं रखा, और मरते हुए उस आखिरी घड़ी में आप वो याद कर रहे हैं उसको कि वो आ जाए, वो 2-4 कदम उसके अपने घर की और मतलब घर में पड़े हैं आपकी चौखट से अंदर आए वो और आप उसको देख सकें कि हाँ चलो एक ख्वाब तो पूरा हुआ, कम से कम उसने कुछ कदम तो रखे मेरे घर के अंदर और मैं सुकून से मर सकूं, तो वो कंडीशन और वो आई कि नहीं आई वो आपको इसमें पता चल जाएगा नहीं, और क्या हुआ वो 2-4 सांसों को मैं लिख रहा हूं, वो आखिरी पल भी मेरी जिंदगी का, वो आखिरी पल भी मेरी जिंदगी का बस उसकी यादों में ही सिमट कर रहे, वो आखिरी पल भी मेरी जिंदगी का बस उसकी यादों में सिमट के रह गया, हम कर ना सके दीदार यार का, हम कर ना सके दीदार यार का, और वो पल भी उसके इंतजार में गुजर गया, हम कर ना सके दीदार यार का, और वो पल भी उसके इंतजार में गुजर गया। मिलना लिखा ही नहीं था, मैं दोबारा बोला, हम कर ना सके आखिरी मरतबा दीदार यार का, और वो पल भी उसके इंतजार में गुजर गया, मिलना लिखा ही नहीं था मेरा आखिरी बार उससे शायद, मिलना लिखा ही नहीं था मेरा आखिरी बार उससे शायद, बस कुछ कदम ही बढ़ाए उसने मेरे घर की ओर, किधर मेरा दम निकल गया। काफी अच्छा लिखा यार, मतलब कोई सोचता नहीं कि मतलब कैसे एक टेररिस्ट बनता है या कोई गलत कर